सर दूसरा एक छोटा सा सवाल सर, एक और एडिशनल छोटा सा सवाल था सर, एनटीपीसी और आरआरबी एग्जाम को लेके आपने मीडिया में भी आए, आपने तो बहुत सारे सभी लोग ये प्रश्न पूछे हैं, उससे पहले मैं स्वयं कह देता हूँ बराबर, कि बहुत लोगों के मन में प्रश्न होगा सर, उसमें एक छोटा सा टाइमलाइन देगी करिएगा, क्या कोई डेडलाइन आप तय करेंगे कमेटी रिपोर्ट आने के बाद कितने देर में निस्तारण कर आपने? चलिए मैं पूरी बात बता देता हूँ, जिससे कि सबके मन में ये प्रश्न है तो क्यों ना मैं पहले बता दूं। देखिए रेलवे ने रिकॉर्ड एम्प्लॉयमेंट करने के इरादे से वैकेंसीज निकाली थी 2019 में। रेलवे की नौकरी आप सब जानते हैं बहुत ही लोगों को पसंद है, क्योंकि एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका देश भर में विस्तार है, हर सबसे जन जन से जुड़ा है, एक इमोशनल कनेक्ट है, इसलिए एप्लीकेशंस निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा आएंगी ही आएंगी, बहुत ज्यादा से ज्यादा नौजवान इससे जुड़ना चाहेंगे ही चाहेंगे। एप्लीकेशंस खूब संख्या में आई, 1 करोड़ से ज्यादा आई एनटीपीसी कैटेगरी में भी और लेवल 1 कैटेगरी में भी, 1 करोड़ से ज्यादा दोनों जगह आई एप्लीकेशंस। परीक्षा की तैयारी चालू हुई, परीक्षा के हिसाब से पहले जिनको अपॉइंट किया गया उसके बाद में आया कि नहीं टेंडर करना चाहिए, टेंडर के हिसाब से सीवीसी के रिकमेंडेशंस आए, उसके हिसाब से वापस टेंडर करके नया एक अपॉइंटमेंट हुआ कि ये टेस्ट की एजेंसी होगी। टीसीएस को सेलेक्ट किया गया एनटीपीसी के लिए और मेरे ख्याल से एनएससी को सेलेक्ट किया गया लेवल 1 के लिए, राइट। मैं पूरी बात बता देता हूँ जिससे किसी के मन में कोई संदेह ना रहे। एग्जाम डिस्पाइट कोरोना का जो ऐसा कालखंड था जो आप सब जानते हैं, हम सब ने झेला है उस कालखंड को, उस कालखंड के दौरान भी एकदम ट्रांसपेरेंट वे से टेस्ट किया गया। उस टेस्ट में आप सब जानते हैं कि कहीं से कोई किसी तरह की पेपर लीक की बात नहीं है, कहीं पे कोई मैनिपुलेशन की बात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट हुआ। रही बात शॉर्ट लिस्टिंग की, जहां पे छात्रों के मन में एक उद्वेग आया और एक मैं कहता हूं हम लोग संवेदनशील सरकार है, हमारे मन में ये भावना है कि हम सेवा करें, हमारे मन में ये भावना नहीं कि हम राज करें। ये भावना के साथ जब काम करते हैं अंत्योदय की भावना से गरीब की सोच की भावना से, तो उस भावना से जब काम करते हैं तो अगर छात्रों को परेशानी हुई तो उसको सॉल्व करना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, उसके लिए हम तैयार हैं, उसमें हमारा कोई ईगो नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि जो रेलवे से जुड़ रहे हैं उनके मन में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई संशय है, कोई पॉइंट पे डाउट है, किसी कारण से उद्वेग है, तो हम उसको समाधान करना हमारा ड्यूटी है। तो इसीलिए जैसे ये पॉइंट आया तुरंत एक कमेटी बनाई जो कि सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिनको एक्सपीरियंस है कई वर्षों का रिक्रूटमेंट का, ऑलरेडी मोर देन 1 लाख रिप्रेजेंटेशंस आ चुके हैं कमेटी के पास में, और कमेटी आपने नोटिफिकेशन देखा होगा उसमें टारगेट दिया हुआ है विद इन 3 वीक्स आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो जैसे जैसे रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं उसका तुरंत उसका एग्जामिनेशन भी कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे कि एक फेयर वे में इस प्रॉब्लम का समाधान किया जा सके। 3 प्रॉब्लम्स हैं, पहला एनटीपीसी में शॉर्ट लिस्टिंग में कितने होने चाहिए यूनिक कैंडिडेट्स, दूसरा ग्रुप डी यानी लेवल 1 का एग्जाम सिंगल स्टेज होना चाहिए या डबल स्टेज होना चाहिए, राइट। तो ये 2 बड़े इश्यूज हैं। तीसरा मुद्दा है कि भाई टेस्ट का लेवल कैसा हो, हाई है, बहुत ग्रेजुएट ज्यादा आ जाएंगे 10+2 कैटेगरी में, संवैधानिक व्यवस्था है उसी फ्रेमवर्क में हम सब काम करेंगे। तो इन तीनों का समाधान करने के लिए हम लोग तत्परता से काम कर रहे हैं, टाइमलाइन लेके काम कर रहे हैं, संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं, सेवा की भावना के साथ काम कर रहे हैं। इसमें हमारे मन में, हमारी नियत में, हमारे तरीके में, हमारे प्रोसेस में कहीं पे संदेह की बात ही नहीं है। एकदम क्लियर स्पष्ट वे में मैं सभी छात्रों से निवेदन करता हूँ, हम उस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, जो अनिश्चितता होती है, जो माइंड में एंग्जाइटी होती है, वो मैं समझ सकता हूँ। मतलब हमें भी ध्यान है कि ट्रेन में स्लीपर कोच में नीचे अखबार बिछा देते थे और उसमें सो जाते थे, स्टेशन जहाँ पे सेंटर होता था वहां तक जाते थे, कहाँ रिजर्वेशन करवाने के हालत कहाँ होती थी, आर्थिक स्थिति कैसी होती थी, हमें ये पता है। जिया सराय में रह के रहना, एक ही दोस्त के घर में 7-8 लोग हम रह जाए, 1 रूम में रह जाए, ये सब आपने जो आप सबने देखा है, हमने भी देखा है। हमारे छात्रों की जो भावना है उस भावना को हमने महसूस किया हुआ है, उसके साथ संवेदनशीलता से डील कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि इसमें अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो एकदम खुले में प्रश्न पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम एकदम ट्रांसपेरेंटली इसके ऊपर काम करेंगे। धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को
हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रेलवे के लिए अभूतपूर्व, इससे पहले आज तक कभी इतना नहीं हुआ, इतना रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आपने अप्रूव किया, बजट में एलोकेट किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहता हूँ वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को कि रेलवे के जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सब पॉइंट्स को आज अपने बजट के भाषण में स्थान दिया, न केवल आर्थिक सपोर्ट दिया, न केवल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट दिया, उसके साथ ही साथ जो कॉन्सेप्चुअल चेंजेस, जो जिस सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है उसकी विचारधारा का, उस सोच का, उस थॉट प्रोसेस का एक क्लियर रोड मैप अपने बजट के भाषण में रखा, इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तीनों मंत्रालय में, रेल मंत्रालय में, टेलीकॉम में, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन तीनों में बहुत एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ बजट में रखे गए पॉइंट्स, मैं तीनों पे एक एक करके आऊंगा। पहला रेलवे, रेलवे में जनरल बजट की तरफ से, भारत सरकार के बजट की तरफ से 1,37,000 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट हमको दिया गया है। जीपीएस बहुत बड़ा नंबर है और इससे रेलवे के जो लंबे टाइम से इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स के, इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे उसको पूरा करने में बहुत ज़बरदस्त मदद मिलेगी। जितने सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं, क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं, जितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे कि रेलवे की कैपेसिटी बढ़े, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो, उस सब के लिए बहुत अच्छा आउटले है ये। सेकेंड, स्टेशंस के लिए बहुत ही अच्छा एक ब्लूप्रिंट रेडी है जिसको आगे ले जाना है। रिवाइज्ड एस्टिमेट में ही 12,000 करोड़ ऑलरेडी अप्रूव हो गए थे 3 महीने पहले, तो उसको आगे ले जाना है। तीसरा, कैपेसिटी और सेफ्टी के लिए कवच। आप सब जानते हैं कवच अपने भारत में ही डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है जो कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है, SIL-4 सर्टिफाइड है। SIL-4 सर्टिफिकेशन का मीनिंग आप सब समझते हैं बहुत अच्छे से, मेरे से ज़्यादा आपको इस सब्जेक्ट की, विषय की नॉलेज है। SIL-4 का मतलब हुआ 10,000 वर्षों में एक एरर, सिंगल एरर इन 10,000 ईयर्स, इतनी प्रोबेबिलिटी, इतनी रिलायबिलिटी है इस प्रोडक्ट की। तो बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बजट के भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने इसको स्थान दिया, क्योंकि ये प्रोडक्ट भारत में डिप्लॉय होके, भारत में लगने के बाद में विश्व भर में निर्यात करने की कवच टीकैस के ऊपर बिल्डअप करके किया गया है। तो इसको आज भारत में प्रूव करके, भारत में इसको प्रॉपरली अच्छे से डेवलप करके, डिप्लॉय करके, उसके बाद में विश्व भर में निर्यात करने का हमको टारगेट लेना चाहिए, विशेषकर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में जहाँ पर बहुत अच्छा रेलवे नेटवर्क है, उन सब नेटवर्क्स में इसका उपयोग होगा। चौथा, देश में ही बनी, देश का गर्व, वंदे भारत ट्रेन्स, जो कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ऐसी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई थी, उसका वर्जन 1 ऑलरेडी चल रहा है, वर्जन 2 का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, डिज़ाइन कंप्लीट होकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, बहुत बहुत जल्दी अप्रैल के महीने से इसकी टेस्टिंग चालू हो जाएगी और अगले अगस्त सितंबर से उसका सीरियल प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। उसका भी अलग नया जनरेशन और तैयार करने का आज टारगेट दिया गया बजट में, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी सोच एक लेवल से दूसरे लेवल पे तुरंत टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ते जाए हम, क्योंकि इसी से पैसेंजर एक्सपीरियंस बेटर होगा, इसी से सेफ्टी बेटर होगी, एक अच्छी सुविधा, एक अच्छी सर्विस जो हमारे देश में 8.5 करोड़ पैसेंजर्स साल का, जो 8.5 बिलियन यानी 850 करोड़ है ना, 850 करोड़ जो साल की ट्रिप्स होती हैं उसके लिए इस तरह का चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर इसके साथ छोटे उद्यमियों को, छोटे व्यापारियों को, हमारे दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, उन सबको किस तरह से जोड़ा जाए रेलवे नेटवर्क में, उसको लेके पोस्ट और रेलवे की सर्विसेज में एक इंटीग्रेटेड वे में सोचने की जो पहल की गई है इस बजट में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सोचिए, झारखंड के एक ग्रामीण इलाके से
अगर कोई आदिवासी स्वयंसेवी समूह अपने प्रोडक्ट्स को मुंबई के मार्केट तक पहुंचाना चाहे, वापी के छोटी सी इंडस्ट्री से अगर नॉर्थ ईस्ट के मार्केट तक कोई पहुंचाना चाहे, कोयम्बतूर के मार्केट से दिल्ली के मार्केट तक कोई लाना चाहे, तो आज एक ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना है जिससे कि छोटे व्यापारी, छोटे किसान, छोटे उद्यमी भी रेलवे की सेवाओं का उपयोग ले सके। पार्सल सर्विस कई सालों से चल रही है, लेकिन पार्सल सर्विस की अपनी बहुत सारे इश्यूज हैं। उन सब को पीछे रखते हुए कैसे एक नया प्रोडक्ट लाया जाए, कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ये बहुत ही एक गेम चेंजर थॉट प्रोसेस है। मैं कहूँगा इससे देश का भविष्य बदल सकता है। मैं कहूँगा कि देश के इकोनॉमी में जो नीचे स्तर पर लोग हैं, हमारे भाई और बहन, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। कितना इससे रोजगार क्रिएट होगा, कितनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, इसका अंदाजा आज लगाना संभव नहीं हो, लेकिन आने वाले वर्षों में आप इसका लाभ देखेंगे। इसीलिए 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हमारे, 8,000 स्टेशन, इनको मिला के जो इंटीग्रेटेड थॉट प्रोसेस है, दोनों में कॉमन टेक्नोलॉजी हो, एक कॉमन सर्विस रहे, कस्टमर को सीमलेस एक डोर से दूसरे डोर तक सीमलेसली चीजें पहुंच सके, वो जो थॉट प्रोसेस है वो एक गेम चेंजर थॉट प्रोसेस है। मैं मानता हूं कि इस तरह का विजन अमृत काल में ही आ सकता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अमृत काल के प्रणेता हैं, अगले 25 वर्ष हम भारत की आजादी के 75 वर्षों से 100 वर्षों तक, शताब्दी तक वाला जो पीरियड है, इस पीरियड में इस तरह के चेंजेस, इस तरह के गेम चेंजर्स, उनकी बहुत बहुत ही एक अति महत्वपूर्ण कल्पना रखी गई है, टारगेट्स रखे गए हैं। मैं आऊंगा अब।